वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी कचुंबर की रेसिपी, जिसे हम नॉनवेज के साथ खाते हैं, बिरयानी के साथ खाते हैं, पुलाव के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं गाजर, एक मूली, ककड़ी, एक छोटा प्याज, हरा धनिया और यहाँ पे हरी मिर्च ली है मैंने। आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना चाहते हैं। मैं इसे बना रही हूँ चॉपर में, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स काटना बहुत ही आसान है। चंद मिनटों में जो वेजिटेबल्स हैं बहुत ही अच्छे से कट जाती है। ये मस्ट बाय है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इससे बहुत टाइम की बचत होती है। तो सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो कचुंबर में सारे आप मैंने ककड़ी, मूली, गाजर, प्याज, हरा धनिया, मिर्ची ये सब ऐड किया है, आप भी कीजिए, बहुत ही अच्छा कचुंबर बनता है। अब हम इसका ढक्कन जो है लगा लेंगे। चॉपर में वेजिटेबल्स चॉप करना बहुत ही आसान है और कुछ मिनटों में ही बहुत ही अच्छे से बारीक चॉप हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो चुकी है चॉप। मुझे थोड़ी सी और बारीक वेजिटेबल्स चाहिए सैलेड के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग हम इसे कम या ज़्यादा, आपको जैसी पसंद है उस तरीके की कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए वेजिटेबल्स जो हैं कटी हैं, बट मैं थोड़ा और इसे चॉप करूँगी, थोड़ा सा और बारीक। जब सलाद ये बनता है बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए परफेक्ट जो हमारी गाजर, मूली और प्याज हैं कट चुके हैं। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक मिनट के अंदर ही चॉपर में वेजिटेबल्स सारे कट जाते हैं और ये सिर्फ 150 रुपये का है। इसका रिव्यू भी मैंने दिया है, अनबॉक्सिंग की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें मिक्स करेंगे दही, फेटा हुआ दही आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पे खट्टा दही लिया है, आप चाहें तो मीठा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा दही ले रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि दही थोड़ी कम है तो आप थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यम्मी डिलीशियस मज़ेदार कचुंबर, रायता, सैलड, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी है। स्पेशली नॉनवेज डिश के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, साथ ही साथ ये पुलाव के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे इंजॉय करें। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।